गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव फ्रेंड एंड फो शत्रु और मित्र। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीव। तो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीव अराउंड अस जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आईज, जिन्हें हम नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, दीज आर नोन एज माइक्रोब्स, उन्हें सूक्ष्म जीव बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता ली जाती है, इनके हेल्प से इनको हम देख सकते हैं। इसके बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? फंगी, बैक्टीरिया, अल्गे एंड प्रोटोजोआ। परंतु वायरस है वो भी एक सूक्ष्म जीव में आता है, बट इसको इस श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है इसको। अगर किसी जीव के ये बाहर रहता है तो ये निर्जीव अवस्था में रहता है, परंतु जब भी ये किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है तो ये सजीव हो जाता है, जनन करना स्टार्ट हो जाता है। वायरसेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो विषाणु होते हैं वो अन्य सूक्ष्म जीव से अलग होते हैं। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिजम्स, दैट इज बैक्टीरियल, एनिमल और प्लांट सेल। ये किसी भी जीवाणु, पशु और पौधे की कोशिकाओं के अंदर जाकर जनन करना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीपल रूप से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी गति बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं चार प्रकार के हैं। फंगी का एग्जांपल हो गया पेंसिलियम और एस्परजिलियस। बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का स्पायरल बैक्टीरिया और रोड शेप बैक्टीरिया। अल्गे मीन्स सेवाल का हो गया क्लेमाइडोमोनस स्पायरोगायरा। और प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल हो गया अमीबा और पैरामीशियम। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर बात आती है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर तरह के वातावरण में रहते हैं। दे आर सर्वाइव इन आइस कोल्ड, ये ठंडी बर्फ में, आइस कोल्ड क्लाइमेट में, ठंडी जलवायु में, हॉट स्प्रिंग गर्मी में, मार्शी लैंड्स यानी कि दलदली भूमि में, एंड डिजर्ट यानी कि मरुस्थलें पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, ये किसी भी पशु के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हर जगह हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा आती है बात फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं, इनके हमें क्या क्या लाभ होते हैं, सूक्ष्म जीव से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। दे आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, कर्ड एंड केक, ये ब्रेड, कर्ड यानी कि दही और केक बनाने में काम आते हैं। यानी कि जो ब्रेड है उसको हम ईस्ट नामक ईस्ट से बना सकते हैं, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। कर्ड यानी कि दही को लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु है वो दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। और केक का प्रयोग भी, केक जो होते हैं केक को भी किसकी सहायता से? ईस्ट की सहायता से ही बनाया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, और सूक्ष्म जीव का प्रयोग शुगर से अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो शुगर से जो अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। दे आर आल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, और ये जो वातावरण है उसको साफ करने में इनका प्रयोग किया जाता है। आल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और इनका प्रयोग दवाइयाँ बनाने में होता है। इन एग्रीकल्चर टू रेज द सॉइल फर्टिलिटी बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कृषि कार्यों में भी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में इनका प्रयोग होता है। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो होता क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन? वातावरण की नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन में बदल देते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि फर्मेंटेशन क्या होता है? द चेंजिंग ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया कहलाती है। उसके बाद होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? प्रतिजैविक क्या होती हैं? प्रतिजैविक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीव से होने वाले रोगों को दूर करने के लिए सूक्ष्म जीव से ही बनाई जाती हैं। द सोर्स ऑफ दिस डिजीज, स्टॉप द ग्रोथ और किल द डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये क्या होते हैं? ऐसे स्रोत हैं, ये दवाइयाँ ऐसे स्रोत हैं जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोक देते हैं और उन्हें खत्म करने में मदद करते हैं जो बीमारियां सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। सच मेडिसिन आर नोन एज एंटीबायोटिक, इस प्रकार की जो मेडिसिन है उन्हें प्रतिजैविक बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद होते हैं वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण। तो टीकाकरण क्या होता है? किसी बीमारी से लड़ने के लिए जो क्षमता शरीर के अंदर पैदा की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? टीकाकरण। इंजेक्टिंग लाइट डोज ऑफ जर्म्स ऑफ डिजीज इन ए पर्सन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, किसी भी व्यक्ति के शरीर में टीके के द्वारा एक दवाई की एक खुराक दी जाती है जिससे
वो उस बीमारी से लड़ने के लिए क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टीकाकरण बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन हैं ऐसे जो बायोलॉजिकल जैविक नाइट्रोजन जो जैविक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, नीलर सवाल है, एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया हैं आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन, ये क्या करते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं फ्रॉम द एटमोसफेयर वातावरण से टू मेक द सोइल रिच इन नाइट्रोजन, ये वातावरण से नाइट्रोजन लेके मिट्टी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी और उसकी मिट्टी की भूमि को उर्वरता को बढ़ाते हैं। दे आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्स, इसलिए क्या बोला जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक किस प्रकार हैं, तो जिस प्रकार इनका हमें फायदा होता है उस प्रकार इनका हमें नुकसान भी होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीव काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, कुछ डिजीज मानव के अंदर क्या करती हैं डिजीज पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, लाइक कोलेरा यानी कि हैजा, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, चिकन पॉक्स, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन एनिमल्स, और कुछ सूक्ष्म जीव के कारण एनिमल से पशुओं के अंदर बीमारी होती है, लाइक एंथर रोग है, फुट एंड माउथ मुंह खुरी का रोग है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन द प्लांट, लाइक कुछ सूक्ष्म जीव के कारण प्लांट एंड पौधों के अंदर भी बीमारियाँ होती हैं, जैसे रेड रस्ट ऑफ पोटैटो, ठीक है, रिंग डिजीज ऑफ चिल्ली, चिल्ली के ऊपर रिंग डिजीज होती है। सम माइक्रोजन स्पॉइल ओवर फूड, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। क्लोथिज एंड लेदर्स, कुछ क्लोथिज को या चमड़े को भी खराब कर देते हैं। पैथोजन्स क्या होते हैं एक्चुअली, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज डिजीज इन प्लांट्स, कुछ सूक्ष्म जीव के कारण पौधों के अंदर क्या होती हैं बीमारियाँ होती हैं ह्यूमन बींग्स और मानव के अंदर एंड प्लांट्स और पौधों के अंदर। सच डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन्स, और ये जो बीमारी फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं पैथोजन्स, यानी कि जिस जीव के कारण बीमारी फैलती है तो उस जीव को क्या बोलेंगे पैथोजेंस बोलेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, डिजीज दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी कि एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैल जाते हैं किसके द्वारा, एयर यानी हवा के द्वारा, फूड यानी भोजन के द्वारा, वाटर यानी पानी के द्वारा और फिजिकल कॉन्टैक्ट और भौतिक संपर्क के द्वारा, नॉन कम्युनिकेबल यानी संक्रामक रोग कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके कोलेरा, कॉमन कोल्ड एटैक्स्ट्रा यानी कि हैजा है, साधारण जो खांसी जुकाम है, ये मलेरिया। उसके बाद एक बीमारी होती है मलेरिया, मलेरिया कैसे फैलती है, मलेरिया इज कास्ड बाय द फीमेल एनिफिलोज मॉस्किटो, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलती है, विच कैरीज प्लाज्मोडियम, जो कि प्लाज्मोडियम नाम का जीवाणु है उसको कैरीज करती है, प्रोटोजोआ को कैरीज करती है, प्लाज्मोडियम क्या है प्रोटोजोआ। डेंगू, डेंगू किसके कारण फैलती है फीमेल एडीज, ये एडीज मच्छर के कारण, फीमेल एडीज यानी मादा एडीज मच्छर है उसके कारण फैलती है, ठीक है। उसके बाद बात आती है फूड पॉइजनिंग यानी कि खाद्य विषाक्तन, खाद्य विषाक्तन क्या है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द ईटिंग ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार हम सूक्ष्म जीव के द्वारा खराब किया हुआ भोजन है उसको खा लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन और फूड, जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे भोजन के ऊपर बढ़ने लग जाते हैं, समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, और क्या करते हैं कई बार जहरीले सब्सटेंस भी छोड़ देते हैं, दिस मेक द फूड पॉइजन, ये भोजन कैसा बना देते हैं जहरीला, रिजल्टिंग इन सीरियस इलनेस, इसकी वजह से क्या हो जाता है गंभीर बीमारी हो जाती है एंड इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकती है। अब ये कुछ बीमारियां हैं जो सूक्ष्म जीव के कारण फैलती हैं, तो कौन सी सूक्ष्म जीव के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, देखो अब दे रखा है मीसल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, किस कारण फैलती हैं, मीसल्स किस कारण फैलती है वायरस के कारण, किसके द्वारा हवा के द्वारा, ट्यूबरकुलोसिस टीबी बैक्टीरिया के द्वारा, चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा, पोलियो वायरस के द्वारा, टाइफाइड है वो बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणु के द्वारा, कोलेरा भी बैक्टीरिया के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण मच्छर के काटने से, हेपेटाइटिस भी है वो विषाणु के कारण यानी कि वाटर के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार इन बीमारियां जो हैं इनको याद करना है कौन कौन सी किस किस जीवाणु के कारण होती हैं या सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। कॉमन प्लांट डिजीज कास्ड बाय माइक, कुछ पौधों के अंदर भी क्या होती हैं बीमारियाँ होती हैं जो सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं पे क्या होता है रस्ट, जंग लगना यानी कि उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन कलर आना वो फंगी कारण आता है, ठीक है। सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। येलो विस मोसे को भिंडी, भिंडी के अंदर येलो पीले पीले रंग के क्या हो जाने छेद से हो जाते हैं जिससे जो विषाणु कारण होते हैं ये मच्छरों के काटने कारण। केमिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड यानी भोजन को प्रिजर्वेशन करने के केमिकल मेथड कौन कौन से हैं, कैसे कैसे उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, भोजन को कैसे खराब होने से बचाया जा सकता है। एडिबल ऑयल्स यानी खाने का जो तेल है एंड साल्ट और नमक आर द कॉमन केमिकल, ये क्या साधारणतः रसायन है यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या करते हैं सूक्ष्म जीव वृद्धि को रोक देते हैं, देयर फॉर दे आर नोन एज प्रिजर्वेटिव, इसलिए इनको क्या बोलते हैं रक्षक बोला जाता है, प्रिजर्वेटिव बोला जाता है। फूड प्रिजर्वेशन
किस के द्वारा होता है, कैसे कैसे कर सकते हैं? प्रिजर्वेशन बाई कॉमन साल्ट यानी कि साधारण नमक के द्वारा, प्रिजर्वेशन बाई शुगर यानी कि चीनी के द्वारा, प्रिजर्वेशन बाई ऑयल एंड विनेगर तेल और सिरका के द्वारा, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट या गर्म करके या ठंडा करके भी हम भोजन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। ये कुछ मेथड हैं जिनके द्वारा हम भोजन को ख़राब होने से बचा सकते हैं। उसके बाद है पैस्टराइजेशन है कि पास्चरीकरण क्या होता है। द मिल्क इज हीटेड 270 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड यानी दूध को 70 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए गर्म करना एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद उसे गर्म करना, ठंडा करना और उसे स्टोर करना। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर। ये प्रोसेस जो है पास्चरीकरण की जो प्रक्रिया है लुईस पास्चर ने क्या की थी, डिस्कवर करी, खोज गई थी। इट इज़ नोन एज पास्चरीकरण यानी कि पेस्टराइजेशन, इसे क्या बोलते हैं, पेस्टराइजेशन बोलते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ बच गई है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन चक्कर, कैसे कैसे नाइट्रोजन आती है, कैसे वो भूमि में मिल जाती है। तो नाइट्रोजन है वो 70% पाई जाती है हमारी एनवायरमेंट में। तो इसके बारे में इस पार्ट में सिर्फ यही बच गया, उसके बाद इसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक्स।